इस साइड आ जाते हैं, ब्लैक वाले और व्हाइट वाले ये टाइल है। अच्छा इसे स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, फिर उसके बाद सैंपल रीडिंग ले लेते हैं। इसमें वो क्या है, किस चीज को, इसको? हाँ ये तो कवर करने वाला है। ठीक है, ये अपने व्हाइट टाइल हो गया। हाँ पहले इससे स्टैंडर्डाइज करेंगे, ये ब्लैक है, ब्लैक है, ब्लैक है, व्हाइट। और आपको आपको इसकी रीडिंग लेनी है तो ग्रीन वाला भी है कंफर्म करने के लिए, जो उस पे रीडिंग लिखा हुआ है। अच्छा टी ये रीडिंग है, तो ये तो कंफर्म करना ही चाहिए। ये इसका बीच का आएगा, मतलब जो भी जो लिखा हुआ यही आएगा, एल ए बी जो वैल्यू है ना ये लिखा हुआ। देखते हैं जरा पहले, ठीक है करो भाई, ये चालू करो, कैसे फिर से शुरू से चालू करो ना, शुरू से चालू करो तो बंद करना पड़ेगा। हाँ बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, डेमेट लगेगा उसमें। इसका कुछ है नहीं क्या, वो साफ करने वाला जो ये होगा, ये ऑन किया ये, अरे पहले वहाँ से तो ऑन करो, हाँ पावर ऑन और ये कोई नहीं, कोई नहीं, घबराओ मत यार, ऐसे थोड़ी होता है। बताता आ गया ऊपर, यह बताता है रेडी टू रेड ब्लैक ले, अब आएगा व्हाइट रेडी टू। अच्छा पहली बार ब्लैक मांगता है, व्हाइट अब वो करो ग्रीन वाला जो है, तभी तो पता चलेगा नंबर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है इसको कर दो, इसका नंबर देखो, नंबर देख लो पहले क्या आ रहा है, टिश्यू पेपर सही करना चाहिए, जो वो बोलता है जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, जो वही फॉलो करना चाहिए तभी सही रीडिंग आएगी। ये रीडिंग आ गई, अब देखो ये आ रहा है 50, 25 तो अलग आ रहा है, सेम ही है, मतलब आसपास ही है, थोड़ा वो डेविएशन थोड़ा। चलो अब क्या करना है, अब सैंपल करो, उसमें सैंपल डालो भाई, इसमें से सैंपल डालो, लो इधर दिखाओ, देखो ये कुछ सैंपल इसमें डाल रहा है, हां ये सैंपल होल्डर, ठीक है सैंपल। अच्छा वो ढकने का इसका है क्या, वो आयोनिक मिला लो, ऐसे उलट दो उसको, उलट दो, कोई दिक्कत नहीं, उलट दो पूरा, उलट दो साइड से लग जाएगा। अच्छा हाँ उसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा ना, रिफ्लेक्शन इसका कुछ है भाई, कितने थिकनेस रखते हैं, हाफ तक ये तो मार दिया हुआ है, अच्छा अच्छा लेवल है, लेवल है, कितना भरना है देखते रहो देखते रहो, एक और आएगा, हो गया थोड़ा इसको हिला दो, इसको ढकना भी तो पड़ेगा, डायरेक्ट ले लेता है। अच्छा इसको अंधेरा कर दिया, चलो इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, नहीं ये नहीं है ना, अब क्या होगा, ये सब D65 और 10 का बंद हो गया प्रॉब्लम। क्या D65 फिर कैलिब्रेट करना पड़ेगा, नहीं 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 एक बार तो हो गया, हो गया नहीं, वो बंद हो गया पीछे से, हिल गया तार उसका, अब हमको करने दो, बिना लगा ये थोड़ा सा क्या करना, अभी पहले पहले कर ले, फिर आप भी जिंदा हो गया, अब इसको करना पड़ेगा डायरेक्ट रखना क्या, इसमें हाँ स्टैंडर्डाइज करो, ब्लैक ग्लास रेडी टू रीड ब्लैक ग्लास, ठीक है ये सर ये होना चाहिए D65 और 10 जो है, किसके इसको छोड़ दीजिए, तो ये नीचे इसको साफ किया, इसको नीचे जो तो नहीं, नीचे नीचे तो साफ करना पड़ेगा, क्या बात करते हो यार, ये करना पड़ेगा, नीचे नहीं साफ करोगे तो कुछ क्या कुछ आ जाएगा क्या भाई, धूल लगा होगा हल्का हल्का, कुछ ब्राउन ही दूसरा ही कलर दे देगा, हो गया भाई
नोट करो भाई, नोट करो, व्हाइटनेस ज़्यादा है 77.42।